आंटी सब आपकी वजह से हुआ, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं आपको थैंक यू कैसे करूं। तुमने मुझे धोखा दिया रोशी। धोखा? कैसा धोखा आंटी? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ ही रही थी मगर आई नहीं। मगर देखे ना उसका कैसा असर हुआ है मेरे घर वालों को। वो मेरी और बख्तियार की शादी के लिए तैयार हो गए हैं और आप भी तो यही चाहती थी ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बख्तियार तुमसे मोहब्बत नहीं। मैं इस बारे में अब बात नहीं करना चाहती। ये सब पुरानी बातें हैं आंटी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सब हुआ क्या है। तुम यहाँ पहुँची कैसे, बख्तियार माना कैसे, वो तो मुझे कुछ नहीं बता रहा। But I'm going to get to the bottom of all this. You watch. मैं बताती हूँ। Shamir, look, I can explain. छोटी सी गलती थी बस। I'm sorry. दोबारा नहीं होगा। क्यों किया ऐसा? क्यों अपने ही खानदान की जान की दुश्मन बन गई? बोलो। मैं पागल हो गई थी, बख्तियार के प्यार में पागल हो गई थी। बख्तियार आप ही को? यही तो बात है, सबको हमेशा जहाँ रही तो दिखाई देती है। उसे क्या पसंद है, उसने क्या कहा, क्या किया, सब हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। और मैं, मुझे तो हमेशा सबने निग्लेक्ट ही किया है। बाबा ने, तुमने, बख्तियार ने, तुम्हें सारी जिंदगी मुझसे यही गिला रहा है ना कि मैं तुम्हें भाई का प्यार नहीं दे सका। लो, आज अपनी मोहब्बत की खातिर अपने खानदान को कुर्बान कर दो। फिसाद की जड़ यही है, इसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। शादी? किससे?